एक और बार मैं आपके पास एक्रेलिक नेल लेके आ गई हूँ। ये हम क्यूटिकल्स रिमूव कर लेंगे, पुशर से पुश करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा क्यूटिकल को रिमूव करते हुए, सारे क्यूटिकल्स रिमूव करेंगे। पुशर से हम बैक साइड का एरिया भी यूज़ करेंगे, उसके पुश करेंगे। ये हमारा साइड कटर होता है, इससे हम डेड स्किन को कट कर लेंगे प्लीज़। बट ये ध्यान से करना कि डेड स्किन ही कट हो। डेड स्किन कट करते हुए आज मैं आपको पूरा एक्रेलिक फ्रेंच नेल बनाना बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। ये देखिए मेरे नेल्स मैंने सारे रिमूव कर लिए हैं। ये जो एरिया है ये ज़्यादा रफ है, ये स्मूथ एरिया है। अभी हमारे सिर्फ नेल्स हैं, तो इन नेल्स पे हमें अभी ये लाइट एरिए से हमको रब करना है, ताकि हमारा नेल ड्राई हो जाए। इस एरिए को इस साइड से, इस एरिए को, और ये हमें मून शेप में भी शेप देनी है अपने नेल की। ध्यान रखिए, शेप देने के बाद में हमें अपना जो टिप है, ये फ्रेंच टिप है, इसे ग्लू से स्टिक कर लेना है नेल पे। और हमें जितना हमें साइज़ चाहिए, जितना हमें नेल का साइज़ चाहिए, उतना हम नेल कट कर लेंगे। और फिर से नेल की जो शाइन है, जो ये टिप की शाइन है, अपने नेल की शाइन है, वो सारे रिमूव कर लेंगे और साइड कट करके नेल को शेप दे लेंगे। जो भी शेप कस्टमर को चाहिए वो शेप देंगे, हम शेप दे लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, और ये बफर से बफ कर लेंगे। जब शेप देते हैं तो नेल के नीचे के एरिया में थोड़ा नेल फंस जाता है, तो उसको क्लीन करेंगे। अब ये एक्रेलिक अप्लाई करेंगे हम। ये देखिए, ये एक्रेलिक अप्लाई किया हमने। हाफ एरिया में एक्रेलिक अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं हाफ एरिया में ग्लिटर का यूज़ करके दिखाऊँगी। ये देखिए, बट मैंने इसमें ग्लिटर का यूज़ करके नहीं दिखाया है। मैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्लिटर किस टाइप से हम एक्रेलिक में ग्लिटर का यूज़ करके कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने हाफ एरिया में एक्रेलिक यूज़ किया है, हाफ, और मून एरिया छोड़ दिया है मैंने। इधर से मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये मून एरिया टाइप मैंने बना लिया है। ये देखिए, इस एरिया में आप मुझे आगे नीचे के एरिया में ग्लिटर यूज़ करना था। ये मैंने स्टोन्स लगाए हैं। ये प्लीज़ गाइस देखिए वीडियो को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि और मैं किस टाइप से आपको मदद कर सकती हूँ, या आप और कैसे नेल बता